हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीटीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन का एक सेशन लगाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जेंडर फर्स्ट ऑप्शन है, एक आर्थिक अवधारणा है। सेकेंड है, एक जैविक निर्धारक है। थर्ड है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। फोर्थ है, एक सामाजिक संरचना है। तो क्वेश्चन बोला है कि जेंडर क्या है, जिसकी बात करते हैं। जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिसमें पुरुष व महिलाएं शामिल होती हैं। लिंग की भूमिका को समाज व सार्वजनिक व निजी जीवन में महिला व पुरुषों के लिए जिम्मेदार कार्यों व भूमिकाओं की अवधारणा से निर्धारित किया जाता है। तो आंसर करेक्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा, एक सामाजिक संरचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? फर्स्ट ऑप्शन है, सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व स्वयं। सेकंड है, शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक। थर्ड है, संवेगात्मक बौद्धिक आध्यात्मिक व स्वयं। फोर्थ है, शारीरिक व्यक्तित्व आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है, तो यहाँ पे बात करते हैं, विकास एक व्यापक अवधारणा और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास की अवधारणा के अंतर्गत कई आयाम शामिल होते हैं, जिनमें शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास होता है। तो आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ साथ में, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन है, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से प्रमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। सेकेंड ऑप्शन है, बुद्धि अवसारी रूप से सोचने की योग्यता है। थर्ड है, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। फोर्थ है, बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण व तर्क शामिल होते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे बात करें कथन के बारे में। बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों की संपूर्ण वर्ग से होता है, जो कि व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्या समाधान, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करना, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता और अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ में, शेयर करते रहें दोस्तों के साथ में, थोड़ा पे एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? फर्स्ट ऑप्शन है, मीडिया। सेकंड है, परिवार। थर्ड है, विद्यालय। फोर्थ है, सरकार। जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है, सामाजिकरण का माध्यम पूछा गया है क्वेश्चन में। जैसे कि हम बात करते हैं, सामाजिकरण विकास की वह प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और व्यक्ति में सामाजिकरण की प्रक्रिया सर्वप्रथम परिवार से या माता पिता से प्रारंभ होती है। तो आंसर करेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं आध्यात्म में। जीन प्याजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चे की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। सेकंड है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। थर्ड है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। फोर्थ है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जीन प्याजे की सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है, तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर, जीन प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत व्यक्ति की प्रवृत्ति विकास एवं विभिन्न अवस्थाओं में ज्ञान के विकास के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास या सिद्धांत में यह बताया है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है और दोनों में सोचने व समझने व्यवहार करने का स्तर भी अलग अलग होता है। तो आंसर करेक्ट होगा, इसका अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो शेयर करते हैं दोस्तों के साथ में।
निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है? फर्स्ट ऑप्शन है विचारों की अनुत्क्रमणीयता, सेकंड है वर्तुल प्रतिक्रिया, थर्ड है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, फोर्थ है विलंबित अनुकरण। तो क्वेश्चन बोला है कि कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है। जैसे कि हम बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्थायी न होकर दूसरों के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है। इस दौरान वह अनुकरण, चित्र निर्माण और भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी बढ़ाता है। इस अवस्था में अनुत्क्रमणीयता पाई जाती है। आंसर करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा विचारों की अनुत्क्रमणीयता। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। सेकंड है सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम हैं। थर्ड है बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा व सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल अनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। फोर्थ है बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। तो जैसे क्वेश्चन बढ़ाया जा रहा है कि बच्चे और उनके सीखने या अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे अधिगम सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति व अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। बच्चा जन्म लेने के साथ ही सीखना प्रारंभ कर देता है और आजीवन कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। अतः बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में यह कथन सत्य है कि बच्चे या सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो आंसर द करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे सेकेंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है खाली स्लेट के रूप में, सेकंड है छोटे वयस्कों के रूप में, थर्ड है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, फोर्थ है सक्रिय अनुवयस्कों के रूप में। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को किस प्रकार से देखा जाता है। तो बात करेंगे यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को एक सक्रिय अन्वेषक, अन्वेषकों का मतलब होता है खोज के रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जिसमें प्रत्येक बच्चे को उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित होने का अवसर प्रदान या प्राप्त कराना होता है। आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा सक्रिय अन्वेषक के रूप में, फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं वीडियो को लाइक करते हैं शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में। लैब वाइगोस्की के अनुसार अधिगम फर्स्ट ऑप्शन है एक अनुबंधित गतिविधि है, सेकंड है एक सामाजिक गतिविधि है, थर्ड है एक व्यक्तिगत गतिविधि है, फोर्थ है एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि लैब वाइगोस्की के अनुसार अधिगम अधिगम मतलब होता है सीखना क्या है। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे लैब वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है जिसके अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों और एवं भाषाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ पे एक बात और कर लेंगे जब भी लैब वाइगोस्की की बात आती है तो इन्होंने हमेशा सामाजिक संस्कृत से सीख सॉरी सांस्कृतिक समाज से सीखने के बारे में बात की है। अगर आपको ऑप्शन में समाज या सांस्कृत से रिलेटेड चीज़ें मिल जाए तो आपका आंसर वहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आंसर करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे सेकेंड एक सामाजिक गतिविधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिन प्याजे के अनुसार बच्चे फर्स्ट ऑप्शन है को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है, सेकंड है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं, थर्ड है प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, फोर्थ है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिन प्याजे के अनुसार बच्चे
किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से वो क्वेश्चन समझेंगे। जैसे कि अभी बात करते हैं कि जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं और जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं वैसे ही वे खोज और विचारों की समय समय पर निर्माण करते रहते हैं। तो आंसर इज द करेक्ट वॉइस के अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ में, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन देखेंगे, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं फिर भी चालक विकास का क्रम से तक है। फर्स्ट ऑप्शन है परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास। सेकेंड है शीर्षगामी अधोगामी, थर्ड है अधोगामी शीर्षगामी, फोर्थ है अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत स्थूल सॉरी सूक्ष्म चालक विकास। तो जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं फिर भी चालक विकास का क्रम से तक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो जैसे बात करती है चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं शामिल होती हैं लेकिन इन विविधताओं के बावजूद भी चालक विकास का क्रम निरंतर होता रहता है, जैसे अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर द करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे फोर्थ आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बाल्यावस्था की समाप्ति, सेकंड है किशोरावस्था, थर्ड है मध्य बाल्यावस्था, फोर्थ है पूर्व क्रियात्मक अवधि। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। तो जैसे कि अभी बात करते हैं किशोरावस्था की अवधि वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, किशोरावस्था बाल्यावस्था व वयस्कावस्था की बीच की अवस्था होती है, यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती रहती है। तो आंसर का करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक व बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती है, फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, सेकंड है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, थर्ड है उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, फोर्थ है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक व बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं उन किस प्रकार से करना चाहिए, उन्हें किस प्रकार से लेना चाहिए। जैसे बात करते हैं यहाँ पर कि उन बच्चों का संज्ञानात्मक विकास विद्यालय में बेहतर होता है जिनके माता पिता उनकी स्कूली शिक्षा में शामिल होती हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक कक्षा कक्ष की अवस्था में बच्चे अपने परिवेश में जो कुछ भी देखते हैं या सुनते हैं उसके बारे में वह माता पिता व शिक्षक से पूछते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं, अतः एक बालक बालिका अपने साथ जो भी अनुभव लाते हैं या लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। तो आंसर द करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं हाथ में, क्वेश्चन देखेंगे, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिजको दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कॉलवर के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। फर्स्ट ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, सेकंड है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, थर्ड है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, फोर्थ है दंड व आज्ञा पालन अभिविन्यास। जैसे अभी एक बच्चा अपनी तर्क प्रस्तुत कर रहा है कि हिजको दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी थी, अगर वो ऐसा करेगा तो वो पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो जो बच्चा इस तर्क पर जो तर्क दे रहा है वह कॉलवर के किस नैतिक समझ की बात या अवस्था की बात कर रहा है या अंतर्गत आता है। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर कि वह बच्चा जो तर्क दे रहा है हिजको दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए थी या जरूरी थी क्योंकि यदि वह ऐसा करेगा तो वह पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, तो दंड व आज्ञा पालन अभिविन्यास की बात
कर रहा है या तर्क प्रस्तुत कर रहा है, तो आंसर इज करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लैब वाइगोस्की क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है समस्यात्मक वार्ता, सेकंड है अहम केंद्रिता वार्ता, थर्ड है व्यक्तिगत वार्ता, फोर्थ है भ्रांत वार्ता। तो क्वेश्चन बोला है कि जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लैब वाइगोस्की क्या कहते हैं? तो इसे बात करते हैं यहाँ पे कि लैब वाइगोस्की के अनुसार वो बच्चे जो मौखिक रूप से संवाद करते हैं उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, क्योंकि अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में उन्होंने स्पष्ट किया है कि छोटे बच्चों के द्वारा भाषा का उपयोग केवल सामाजिक संचार के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि उसका उपयोग वे अपने व्यवहार को नियोजित व निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। तो आंसर द करेक्ट हो इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलौने पहनावे की वस्तुएं घरेलू सामग्रियां व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर प्रासंगिकता, सेकंड है विकसित जेंडर पहचान, थर्ड है जेंडर रूढ़िबद्धता, फोर्थ है जेंडर सिद्धांत। तो क्वेश्चन बोला है कि खिलौने पहनावे वस्तुएं घरेलू सामग्रियां व व्यवसाय और रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करते हैं तो किस प्रकार से यह प्रदर्शित करता है? जैसे कि बात करेंगे यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ों को लिंग से संबंधित करने पर यह रूढ़िवादिता प्रदर्शित करता है या जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। तो आंसर है करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, एक शिक्षक को चाहिए कि फर्स्ट ऑप्शन है यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है, सेकंड है वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, थर्ड है वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, फोर्थ है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो बात करेंगे यहाँ पे शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और एक अच्छा शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिसमें विद्वत संस्कृतियों के बच्चों को उनकी संस्कृतियों को प्रभावित किए बिना या किए बिना सभी बच्चे आपस में एक दूसरे की भावनाएं, समाज संस्कृति सॉरी भाषा संस्कृति और धर्म का सम्मान करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आते हैं आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? फर्स्ट ऑप्शन है मुख्य धारा शिक्षा, सेकेंड है एकीकृत शिक्षा, थर्ड है समावेशी शिक्षण, फोर्थ है पृथककरण। तो क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित संरचना में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है किसकी वकालत करता है? तो इसकी अभी बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा पर बल देता है, इसमें बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया 2009 में और इसे अप्रैल 2010 में से लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान या अधिकार है। तो आंसर द करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय अवस्था में या व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। फर्स्ट ऑप्शन है बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, सेकंड है समावेशी शिक्षा, थर्ड है मुख्य धारा शिक्षा, फोर्थ है विशेष शिक्षा। ये क्वेश्चन बोला गया यह विचार है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था की समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। जैसे बात करते हैं यहाँ पे समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस विचारधारा से प्रेरित है जिसमें सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। वो आंसर जाएगा टॉइस का कोडिंग हमारा सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा समर्थक अधिगम गठित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है अन्वेषण एवं पारंपरिक क्रिया, सेकंड है कंठस्थलीकरण एवं स्मरण, थर्ड है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, फोर्थ है निर्देश एवं संचालन। तो जैसे क्वेश्चन बोला गया कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना जिसके द्वारा समर्थक अधिगम गठित होता है। तो नहीं में पूछा गया, तो बात करते हैं यहाँ पे कंठस्थ स्थलीय या कंठस्थकरण एवं स्मरण अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम गठित होता है। जैसे कि यहाँ पे बात करें कंठस्थ करना, आपको क्वेश्चन दिखाओ कंठस्थ करने का मतलब रटंत प्रणाली, जब भी हम रटंत प्रणाली की तरफ जाएंगे वो आंसर हमारे नहीं होते हैं। तो आंसर क्या करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं अध्यात्म में क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे मिलान के क्वेश्चन दिए हैं, थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं पहले क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषता के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? जब मिलान वाला क्वेश्चन है मिलान करेंगे यहाँ पे, फिर नीचे उसको ऑप्शन दिए पहले मिलान कर लेते हैं यहाँ पे। ए दिया है प्रतिभाशाली, बी दिया अधिगम असक्तता, सी दिया है सृजनात्मकता, डी दिया है अवधान कमी अति सक्रियता व्यतीत क्रम। तो धारा प्रवाह फर्स्ट है इसमें, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, सेकंड है मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है, थर्ड है आसानी से विचलित होने की आदत है, फोर्थ है शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। तो इसे मिलान करना है, तो मिलान के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया यहाँ पे ए प्रतिभाशाली, तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनमें जो गुण पाया जाता है उसमें ये होता है कि शीघ्रता से वह स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखती हैं, तो ए हमारा फोर्थ से मिलेगा। बात करेंगे बी अधिगम असक्ता, तो ऐसे बच्चे क्या है धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, तो हमारा बी किससे मैच करेगा फर्स्ट से, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। बात करते हैं सी सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी, इसमें बोला है कि मूल संसाधनों के बारे में सोच की सकता है, तो जो सृजनात्मकता का छात्र होगा वो मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है, तो सेकंड से मैच करेगा। तो आपका बच्चा डी अवधान कमी अतिसक्रियता, तो ये हमारा किसमें आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा आसानी से विचलित होने की आदत। तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा, तो ए हमारा फोर के संग रहेगा, बी हमारा फर्स्ट के संग रहेगा, सी हमारा सेकंड के संग रहेगा, डी हमारा किस में रहेगा थर्ड के साथ रहेगा। तो ये हमारा मिलान किधर है हमारा, तो ए हमारा कहाँ पे है फोर्थ में, फोर्थ आपकी चार दिएंगे फोर्थ किधर है, तो ए हमारा फोर्थ होगा इसमें से, और बी फर्स्ट है, तो बी फर्स्ट कहाँ पे इनमें थर्ड दिया है, तो ये तो दोनों हट जाएंगे हमारे, तो यहाँ पे क्या दिया यहाँ पे, तो ए फोर्थ हो गया, बी फर्स्ट हो गया, और डी हमारा क्या था थर्ड था, तो डी हमें थर्ड मिल गया और सी हमारा सेकंड मिल गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे थर्ड आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखेंगे अगला, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों से सक्रिय रूप से भाग लेते हैं फर्स्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं एवं बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, थर्ड है वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, फोर्थ है वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिए गए उत्तरों की नकल करते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चे प्रभावी रूप से बच्चे जो प्रभावी रूप से सीख सकते हैं कब सीखते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं यहाँ पे, जो बच्चे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं वे किसी विषय को प्रभावी रूप से सीखते हैं, जबकि इसके विपरीत बच्चे जो केवल स्कूल शिक्षा पर ही निर्भर रहते हैं और विभिन्न प्रकारों की होने वाली गतिविधियों एवं कार्यों में भाग नहीं लेते हैं वे अपेक्षाकृत कम प्रभावी तरीके से सीख पाते हैं। तो आंसर क्या करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा, वे बच्चे विभिन्न गतिविधियों में एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ में शेयर करते हैं आप दोस्तों के साथ में। बच्चों को कक्षा में प्रश्न फर्स्ट ऑप्शन है पूछने से रोकना चाहिए, सेकंड है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, थर्ड है पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, फोर्थ है पूछने की अनुमति
नहीं देनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए, तो यहाँ बात करती है बच्चों को संपूर्ण विकास एवं संरचना प्रदान करने हेतु कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों को सोचने की शक्ति को प्रोत्साहित किया जा सके, और ऐसा करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को किसी विषय पर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करे। तो आंसर का करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड आंसर है। बात करेंगे यहाँ पे जैसे कि आप क्या है प्रेरित करना, प्रेरित करना प्रोत्साहित करना, ये हमारे क्या है नेगेटिव वर्ड सॉरी पॉजिटिव वर्ड होते हैं ये हमारे। अगर इस प्रकार के वर्ड आपको ऑप्शन में दिख जाए तो ज़्यादातर 90% केस में हमारे आंसर होते हैं वो यहीं पर छुपे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रेरित करना आंसर है हमारे यहाँ पे पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट सॉरी सेकंड हो जाएगा मिस्टेक हुआ सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। सेकंड है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। थर्ड है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। फोर्थ है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। तो क्वेश्चन बताया है कि संरचनात्मक दृष्टि के अनुसार अधिगम क्या है। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे संरचनात्मक दृष्टि के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। तो आंसर का करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे जब एक शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी फर्स्ट अपने किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। सेकंड है सीखने के लिए उत्सुक व प्रेरित होते हैं। थर्ड है निश्चित हो जाते हैं और सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। फोर्थ है उत्साह भंग हो जाता है और वे दबाव में आ जाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन बोला कि जब एक शिक्षक को विद्यार्थियों की उनकी विशेषताओं योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास हो जाता है तब विद्यार्थी का किस प्रकार का बिहेवियर व्यवहार होता है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन समझेंगे। तो बात करते हैं शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करे। शिक्षक को विद्यार्थियों की कई तरीके से प्रोत्साहित कर सकते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास हो जाता है तब बच्चों में सीखने की इच्छा तीव्र हो जाती है और अधिक सीखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो आंसर इधर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड। तो यहाँ पे भी प्रेरित आया है तो ये भी हमारा आंसर पॉजिटिव दिया है बर्ड ने। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों की गलतियां फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। सेकंड है प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। सेकंड है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। फोर्थ है अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है और उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देता है। क्वेश्चन बोला है कि बच्चों की जो गलतियां वो किस प्रकार की होती हैं। जैसे हम बात करते हैं अधिगम की प्रक्रिया में बच्चे विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं जिनमें कुछ प्रयोगों में वह सफल व कुछ में असफल होते हैं। इसमें असफल होते हैं तो वह शिक्षक व अपने माता पिता से समझने का प्रयास करते हैं और उन गलतियों को दोहराने से बचते हैं। इस प्रकार से बच्चों की गलतियां अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है और उनके विचार को एक अंतर्दृष्टि देती है। तो आंसर है करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं मूल्यांकन को फर्स्ट ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। सेकंड है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। थर्ड है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। फोर्थ है केवल नंबर के संदर्भ में करना चाहिए। तो क्वेश्चन बोला गया मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए। तो बात करते हैं यहाँ पे मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। मूल्यांकन के तहत बच्चों द्वारा पूर्व में सीखे गए विषय और तथ्यों का परीक्षण किया जाता है। इसके आधार पर बच्चों की प्रगति व कमियों को दूर करने हेतु योजना बनानी चाहिए। तो आंसर का करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नीचे लिखी हुई स्थिति सिद्धांत किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है।
फर्स्ट ऑप्शन है अनुमानसिकता एवं पर्यावरण संबंधी नहीं है, सेकंड है संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है, थर्ड है संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, फोर्थ है अनुमानसिकता एवं बात पर्यावरण अलग नहीं है। तो क्वेश्चन बोला कि नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शा रही है, तो जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं वे महसूस करते हैं कि वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं और हतोत्साहित हो जाते हैं और उस कार्य को प्रयास करने बनाए छोड़ने की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहा है। तो जैसे बात करते हैं यहाँ पर कि बालक को संज्ञान होता है कि वह पर्याप्त प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, उसे उसमें कुंठा व निराशा दोष आदि का भावना भाव उत्पन्न होता है जो एक कार्य को बिना प्रयास के छोड़ने के प्रकट में रूप में प्रकट होता है। तो आंसर का करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा, संज्ञान और एवं संवेग परस्पर संबंधित होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, सेकंड है पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, थर्ड है पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, फोर्थ है पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। तो क्वेश्चन बुलाया है कि एक शिक्षक को बच्चे को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करना या कर सकता है या करना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं कि शिक्षा का यह दायित्व होता है कि यह बालक का उस स्तर तक विकास करने में सहायक हो जिससे बालक अपने व्यक्तित्व व संगठन विकास कर सके और सभी प्रकार की परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर सके। अतः एक शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चे को प्रभावी रूप से समस्या के बारे में सहज रूप से अनुमान लगाने व विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करे। तो आंसर का करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अब यह आया प्रोत्साहित करना, यह भी हमारा क्या पॉजिटिव है, जब भी हमारे ऑप्शन में आती हैं तो हमारे ज़्यादातर आंसर यहीं से मिलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मिला हुआ है फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं दोस्तों के साथ में। क्वेश्चन देखेंगे, वे विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल एवं प्रयास शामिल हैं निम्न में से किसका उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है परंपरागत विधि, सेकंड है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, थर्ड है निगमात्मक विधि, फोर्थ है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल एवं प्रयास शामिल हैं किसका उदाहरण है। जैसे बात करते हैं यहाँ पे, वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल एवं प्रयास शामिल होती हैं अधिगमकर्ता केंद्रित विधि के अंतर्गत आती हैं। इस विधि में बालक को सीखने की प्रक्रिया या केंद्र में अंतर्गत रखने पर बल दिया जाता है। तो आंसर क्या करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ हो जाएगा। दोस्तों हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है, मिलाएंगे नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बैकग्राउंड प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।